हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूजीज ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स। टू यूजीज हमने पढ़े थे, थर्ड यूजीज पढ़ेंगे आज। थर्ड यूज है नेविगेशन। मैन मेड सैटेलाइट का यूज है कि किसी भी जगह की हमें लोकेशन पता करनी है तो वो इससे नेविगेशन, मैन मेड जो सैटेलाइट होते हैं उनसे पता कर सकते हैं। सैटेलाइट्स हेल्प शिप्स एंड एरोप्लेन्स टू डिटरमाइन दियर लोकेशन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या लोकेशन है उनकी सैटेलाइट से हम पता कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यानी जो स्टार हैं, प्लेनेट है यूनिवर्स के अंदर, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट का हम यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है डिफेंस। सैटेलाइट्स आर यूज्ड बाय कंट्रीज टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ द अदर कंट्रीज। डिफेंस के अंदर क्या है, दूसरे जो भी दूसरा देश हमारे बारे में कोई अटैक करने के लिए कुछ सोच रहा है या फिर कोई देखना है कि वो कहाँ पर अपने डिफेंस के लिए यहाँ या अपनी आर्मी को कहाँ कहाँ पे खड़ी कर रखी है। कई बार आप एक दूसरे पे अटैक कर देते तो दूसरे कंट्री की एक्टिविटी को हम सैटेलाइट से देख सकते हैं। वॉचवर्ड पढ़ेंगे, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम कोर बोलते हैं। जो मिडल लेयर होती है अर्थ की उसको हम मेंटल बोलते हैं। और जो सबसे जो बाहरी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको क्रस्ट बोला जाता है। ये पिक्चर की हेल्प से आपको समझाया भी था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोरोना, द लेयर ऑफ गैसेस दैट मेक्स द एटमोसफेयर ऑफ द सन। लेयर गैसेस की लेयर जो कि क्या है, एटमोसफेयर, सन के एटमोसफेयर को बनाने में हेल्प करती है। क्रेटर होते हैं गड्ढे, ए ह्यूज राउंड डिप्रेशन ऑन द मून सरफेस। ये होते हैं चंद्रमा की सतह के ऊपर क्या है, कुछ मिटीरियोइट के स्ट्राइक करने से क्या है, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं मून के सरफेस के ऊपर, उनको क्रेटर बोला जाता है। इक्लिप्स होता है ग्रह, ये कब दिखाई देता है, एन इवेंट व्हेन ए कैलेस्टियल बॉडी इज हिडन इन द शैडो ऑफ अनदर कैलेस्टियल। एक कैलेस्टियल बॉडी छिप जाती है दूसरे की परछाई के दौरान दूसरी कैलेस्टियल बॉडी की, जैसे जैसे कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है या फिर सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर जब शेडो गिरती है तो क्या है, सोलर इक्लिप्स बनते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। लेटेस्ट रिकॉल पढ़ेंगे। अब थोड़ी समरी है ये चैप्टर के बारे में, क्या क्या मेन मेन हमने पढ़ा। सोलर सिस्टम कंप्राइजेज 8 प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ये प्लैनेट भी, मून भी, ये सब प्रेजेंट होता है जो कि सन के चारों ओर ऑर्बिट करता है। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द, या नेम द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, आ जाएगा आंसर अर्थ। इसकी थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द सन इज द स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का स्टार किसको बोला जाता है, सन को। और किससे मिलकर बना है ये, ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज, गैसेज की एक बड़ी सी बॉल है उसको हम सन बोलते हैं। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का एक अकेला एक ही सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम है मून। इट इज़ ए बाल ऑफ रॉक्स विद नो एयर एंड वाटर। रॉक्स की एक बाल है जिसके अंदर कोई एयर और कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। जो शेप चेंज हो रही है बार बार मून की, उसको क्या बोलते हैं हम, फेजेज ऑफ द मून। यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप जो चेंज होती है, 29 डेज में साइकिल जो कंप्लीट होती है, लूनर साइकिल है, उसको फेजेज ऑफ द मून बोलते हैं, जो शेप चेंज होती है। फेज कौन कौन से होते हैं मून के, यानी जो चेंज हो रहा है उसके क्या क्या नाम है। न्यू मून जो बिल्कुल दिखाई नहीं, क्रिशन मून छोटा सा दिखाई देगा, फिर हाफ मून आधा दिखाई देगा, गिबियस मून 3/4 पार्ट दिखाई देगा, और फुल मून में पूरा कंप्लीट मून हमें दिखाई देगा। द सोलर इक्लिप्स हैपन्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर इक्लिप्स जब बनता है जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, और लूनर इक्लिप्स जब बनता है जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच के अंदर। मैन हैज़ मेड मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड सेंट देम टू स्पेस। मैन ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए और उनको स्पेस के अंदर भेजा है, जो कि हमारी हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में। ये भी पढ़े थे जो नेचुरल सैटेलाइट है जो, या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं, मैन मेड जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ही मैन मेड, क्योंकि जो आदमी के द्वारा, इंसान द्वारा बनाए गए हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, नेविगेशन में, जैसे शिप एरोप्लेन की
डायरेक्शन को देखने में, साइंटिफिक रिसर्च जैसे स्टार प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज के लिए।